एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण सेन, इंडियन ब्लॉगर के सेन मिडिल क्लास लाइफस्टाइल फूड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे आम की बराबर वाली चटनी जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, जिसे आम की मिक्स चटनी भी बोलते हैं, तो आम की मिक्स चटनी मैं बनाने जा रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ अपने तरीके से। हर जगह हर तरीके से बनती है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आम की मिक्स चटनी बनाने के लिए मैं 3 केजी कच्चा आम ली हूँ। ये देखिए, ये लोकल आम है जो अपने ही बगीचे के हैं, तो आप इसके दाग धब्बे पे मत जाइए, बिल्कुल फ्रेश आम है। बस वो पत्तों के काले काले दाग लग जाते हैं आम के ऊपर। तो ये देख लीजिए, मैं 3 केजी आम ली हूँ। ये मीडियम साइज़ के आम है, इसे पीनर की सहायता से अच्छे से आम को छील लेंगे। सारे आम को एक एक करके छील लेंगे। तो देखिए गाइस, ये आम सिर्फ इसके छिलकों में दाग हैं, बाकी आम बिल्कुल फ्रेश है अंदर से। पत्ते की वजह से काले हो जाते हैं आम। तो इस सारे आम को अच्छे से छील लें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे घर में भी बना के सुखा सकते हैं, घर के अंदर भी बिना धूप के भी। और धूप है हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो अचार अच्छी बनती है। तो गाइज, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज, जिस तरह से मैं सारे आम को छील के ले ली हूँ, तो ये देखिए, ये सारे सभी आम मैं छील के ले ली हूँ। अभी इसे अच्छे से धो लेंगे पानी में। तो इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ, अब इसे पानी से निकाल लेंगे। तो गाइस आप चाहें तो इसे पंखे में पूरे दिन सुखा लें, और नहीं तो अगर धूप है तो आप इसे 3 से 4 घंटा धूप में अच्छे से सुखा लें। तो देखिए, मैं धूप में इसे सूखने के लिए डाल दी हूँ। तो गाइस 3 से 4 घंटे हो गए, बहुत तेज़ धूप थी, तो ये आम सूख गए हैं। देखिए कितने अच्छे से इसके सारे पानी सूख गए हैं, और ये आम के कलर भी चेंज हो गए हैं सूखने की वजह से। तो गाइस, आम सुखाने से, छिले हुए आम सुखाने से ये होता है कि इसकी जितनी भी नमी है वो निकल जाती है, जिससे ये अचार 3-4 साल तक भी ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए मैं इसे हमेशा धूप में सुखा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके कलर बिल्कुल चेंज हो गए धूप में सूखने के बाद। तो चलिए इसे अब कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो मेरे बहुत ही आम छोटे, कोई कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर हम छोटे हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है किसने में। तो गाइस, अगर आप खरीद के आम ले रहे हैं तो थोड़े बड़े बड़े आम ले लें, जिससे अच्छे से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो मेरे तो घर के आम हैं, तो ये छोटे छोटे हैं, मीडियम साइज़ के आम हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सारे आम को एक एक करके घिस लेंगे। तो ये देखिए गाइस, सारे आम कद्दूकस हो गए हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर, तो गाइस 3 केजी आम है, तो इसकी जिस इसकी पल्प है वो 2 केजी के बराबर है। तो मैं इसमें 4 चम्मच हल्दी डाली हूँ मैरिनेट करने के लिए, और 5 चम्मच नमक ली हूँ, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके पल्प 2 केजी है वजन में, क्योंकि 1 से 1 केजी तो गुठलियाँ निकल जाती हैं इसके। इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे।
तेल अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे। और हल्दी नमक भी कम ही डालेंगे क्योंकि इसे मैरिनेट करके करने के लिए रखना है। तो ये देखिएगा, इसमें इसे अच्छे से मिला ली हूँ। तो मैं इसे एक साफ़ कपड़े से ढक लूँगी या नहीं तो प्लेट से। तो देखिएगा, इस मुझे कपड़े अभी मिले नहीं हैं, तो मैं इसे एक प्लेट से ढक के पूरी एक रात के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दी हूँ। तब तक मैं ये देखिए, मैं ये दूसरे दिन में हरी मिर्ची ली हूँ, जो कि वज़न में 1/2 किलो है। इसके डंठल तोड़ के मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ। अब इसे धो के मैं धूप में सूखने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि धूप बहुत कम है, जिससे इसके सारे पानी निकल जाएं। और ये 300 ग्राम अदरक है, इसे भी मैं छील लूँगी। तो चलिए इसे छील लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैं इसे छील के ले ली हूँ और पानी में इसे अच्छे से धो लेंगे, जिससे इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। और इसे भी 2-3 घंटे के लिए धूप में डाल दूँगी। गज में लहसुन भी 300 ग्राम ली हूँ, इसको भी सारे लहसुन को छील लेंगे, इसके सारे छिलके हटा लेंगे। तो चलिए इसके सारे छिलके हटा लेते हैं। तो छिलके ये मैं हटा ली हूँ, ये देखिए। और इसे भी धूप में 2-3 घंटे के लिए रख दी हूँ। तो तीनों चीज़ों को मैं धूप में रख दी हूँ। तो अदरक भी सूख गए हैं गाइस, तो इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके सारे पानी सूख गए हैं, इसकी नमी निकल गई है। तो अचार बनाने के लिए गाइस सारे सामान को अच्छे से सुखा लें, धूप लगा लें, जिससे कि वो लंबे टाइम तक चले अचार। तो ये देखिए, मैं क्रशर ली हूँ, तो इसमें कटे हुए अदरक डाल के इस चॉपर में मैं चॉप कर लूँगी। तो गाइस, आपके घर में चॉपर है तो चॉपर में कर ले, नहीं तो मिक्सी जार में कर ले, और नहीं तो खलबट्टे में इसे बारीक कूट ले। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। अगर आपको उससे भी परेशानी है तो आप इसे क्रश कर लें, उससे भी अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए, मैं चॉपर में डाल के इसे चॉप कर ली हूँ बारीक बारीक। तो चलिए, इसको मैं 2 बार करके चॉप कर ली हूँ। लहसुन भी सूख गए हैं, तो इसे भी मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर ले, या नहीं तो ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर ले, नहीं तो खलबट्टे में कूट ले, क्योंकि इसे पीसना तो है नहीं, दरदरा कूटना है, मोटे मोटे तो ये आसानी से कूट जाते हैं, इसे कूट ले। तो देखिए, लहसुन को भी मैं थोड़े थोड़े करके 2 बार में कद्दूकस करके ले ली हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये देखिए, ये भी चॉप हो गए हैं, इसे भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो अगर सारे सामान सूख गए हैं, हरी मिर्ची भी सूख गई है, हरी मिर्ची को भी इसे चॉप कर लेंगे। तो चलिए, मैं इसे आपको चॉप करके दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं हर चीज़ को चॉप करते हुए इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं हर चीज़ को, सारे मसालों को, अदरक मिर्ची लहसुन को चॉप करके दिखा रही हूँ। और क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी ज़्यादा है, और छोटी चॉपर है, तो इसमें 2-2 बार करके चॉप कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं सारे मिर्ची को 2 बार में चॉप करके ले ली हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ सारे सामान। तो ये देखिए गाइस, इतने सारे सामान हैं, लहसुन है और ये अदरक है, आप देख सकते हैं, लहसुन अदरक हरी मिर्ची सबको, हरी मिर्ची को ज़्यादा बारीक नहीं चॉप करेंगे, मोटा मोटा ही चॉप करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं।
लहसुन अदरक को उससे थोड़ा ज़्यादा चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए सारे सामान को, तो चलिए आम भी एक रात के लिए मेरीनेट हो गए होंगे, थोड़े से गल गए होंगे। तो गाइस लहसुन हल्दी, लहसुन आम के अंदर हल्दी नमक डालने का मतलब ये होता है कि इसे अच्छे से गल जाए, पक जाए। जैसे थोड़े से पानी छोड़ देते हैं तो चटनी अच्छी बनती है। तो चलिए इसमें कटी चॉप की हुई अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन जितने भी सामान है सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिएगा गाइस मैं सबको इसमें डाल दी हूँ आम के अंदर। अब इसे मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद मुझे इसमें हल्दी थोड़ी कम लग रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सामान अदरक लहसुन हरी मिर्ची डालने के बाद इसके कलर थोड़े से डाउन डाउन से लग रहे हैं, और ये जैसे जैसे पकेंगे इसके कलर और डाउन हो जाएंगे। तो इसमें मैं, तो देखिए मैं मिला रही हूँ इसको अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़े से हल्दी और डालूँगी क्योंकि कलर काफ़ी फीके फीके से हैं। तो मैं इसमें 3 चम्मच हल्दी और ऐड की हूँ, या फिर अब अपने चटनी और अचार की क्वांटिटी के हिसाब से हल्दी को कम ज़्यादा करके ले लेंगे। नमक भी कम थे तो मैं इसमें थोड़े से नमक और डाल दी हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको बाद में डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं फिर 2 चम्मच नमक डाल ली हूँ। तो गाइस नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, और मैं इसमें फिर 3 से 4 चम्मच तेल डाली हूँ। अभी तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे गाइस, क्योंकि इसे लास्ट टाइम में तेल अच्छे से डाल के फिर इसको जार में भरेंगे। तो अभी फिर से मैं 3-4 चम्मच ही तेल ली हूँ जो 100 ग्राम के आसपास थी, तो इसमें 100 ग्राम तेल ऐड की हूँ। तो और इसे अच्छे से मिला के अब इसे कपड़े से ढक के, तो देखिए गाइस साफ कपड़े से इसे ढक लेंगे, और ढक के 2 से 3 दिन तक धूप में इसे अच्छे से सुखा लेंगे। तो चलिए 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैं 1 बड़ा चम्मच अजवाइन जो कि 20 ग्राम है, 2 छोटे चम्मच कलौजी, इन सबको रोस्ट कर लेती हूँ चटनी में डालने के लिए। तो ये देखिएगा इस 2-3 दिन सुखाने के बाद इसके ऐसे कलर हो गए हैं, और अचार भी थोड़े सूख गए हैं, आप देख सकते हैं इसके सारे पानी सूख गए हैं, ये देखिए। तो मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छे से। तो अब इसमें मैं मिक्स अचार का मसाला डालूँगी। इसके अंदर मैं पहले से पाउडर बना के रखी हुई थी, तो इसके अंदर है सौंफ, 25 ग्राम सौंफ है, 15 ग्राम मेथी और 25 ग्राम सरसों जो कि मैं पहले से कूट के, और थोड़ी सी अजवाइन और मंगरेला थी जो कलौची होती है वो, उसे मैं ले ली हूँ, लेकिन कलौची और अजवाइन कम है तो मैं इसमें बाद में थोड़ी और ऐड करूँगी। तो गाइस देखिए मैं इसमें फिर से सरसों तेल ऐड की हूँ जो कि 250 ग्राम के आसपास है। तो अब इसमें, अब ये देखिए रोस्ट किया हुआ भुना हुआ कलौजी और अजवाइन है, अब मैं इसे अच्छे से डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों को। तो गाइस ये अचार 3 से 4 सालों तक ख़राब नहीं होती है, 5 साल तक भी ख़राब नहीं होती है, और इसके टेस्ट जितने पुराने होते जाते हैं उतने अच्छे उभर के आते हैं। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिला ली हूँ, और मैं एक मेरे घर में खाली हॉर्लिक्स की बोतल थी तो मैं इसे अच्छे से वॉश करके सुखा के और कपड़े से अच्छे से साफ पोंछ के ले ली हूँ। देखिए पूरी तरह से सूखे हुए हैं, हॉर्लिक्स की बोतल है ये। तो मैं इसमें ये मिक्स चटनी को अब डाल देंगे इसे। तो देखिएगा इस तरह से
सारे चटनी को इसके अंदर भर लेंगे। तो देखती हूँ बोतल भर जाता है इसमें, या फिर कोई दूसरा भी लेना पड़ेगा जार, तो डाल के मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिएगा इसमें तो इतने सारे चटनी आ गए हैं, लेकिन एक जार में ये सारे चटनी नहीं आए थे, तो मैं दूसरा जार भी ले ली हूँ चौड़े ढक्कन वाले। ये देखिए इस टाइप के जार ले ली हूँ। तो इसमें मैं थोड़े से सरसों तेल ऊपर से डालूंगी और फिर इसे 2 से 3 दिन धूप में कपड़े बांध के सुखाऊंगी। तो ये देखिएगा इसमें आपको ये अचार, पिछले साल वाली पुरानी अचार दिखा रही हूँ, 1 साल होने के बाद भी ये हॉर्लिक्स की बोतल में ही है, लेकिन ना तो ये ख़राब हुई है और ये देखिए गल के कितने टेस्टी हैं। ऐसे खाने में बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।